हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हो मेरे बीएसएफ के नौजवानों? बहुत ही अच्छे होंगे। तैयारी चल रही होगी? अभी तैयारी नहीं चल रही तो तैयारी स्टार्ट कर दो यार, फिजिकल की। और फिजिकल की तैयारी भी आपके लिए बहुत जल्द वीडियो लेकर आने वाला हूँ, फिजिकल की तैयारी के ऊपर भी। तो बस आप तो बस इस वीडियो को देखो, वीडियो में क्या बताने वाला हूँ वो बात देखना। आज सबसे कम कौन सी ट्रेड में अप्लाई हुआ है, यानी सबसे कम फॉर्म कौन सी ट्रेड में अप्लाई हुआ है, सबसे ज्यादा कौन से ट्रेड में अप्लाई है, सबसे ज्यादा कम फॉर्म कौन से ट्रेड में अप्लाई हुआ है, सबसे ज्यादा कट ऑफ किसका जा सकता है और सबसे कम कट ऑफ किसका जा सकता है। जो ट्रेड में यहाँ पे बताने वाला वो ध्यान से सुनना, उसके बाद में डिसाइड करना। हाँ यार, मैंने इस ट्रेड से अप्लाई किया, मैं फायदे में हूँ या नुकसान में। वैसे मैं बता दू, आपने जिस ट्रेड से अप्लाई कर दिया है वो बेस्ट ट्रेड है। क्यों ट्रेड बेस्ट है? क्योंकि आपको केवल एक पोस्ट की जरूरत है और वो एक पोस्ट हम लेके रहेंगे, क्योंकि हम मेहनत करेंगे, जो जुनून जज्बे के साथ पढ़ेंगे और उसी बीएसएफ ट्रेड्समैन को फाड़ के रख देंगे, उसी को पेपर को निस्तनाबूद कर देंगे, पेपर की खोपड़ी के अंदर छेद कर देंगे। बिल्कुल उस पेपर को हम खोपड़ी में छेद करने वाले। किस प्रकार से क्या स्टडी रहेगी वो मैं आपको बिल्कुल 24 मार्च को अपडेट कर दूंगा। क्या हमारा स्टडी प्लान रहने वाला है, कब कब क्या क्या क्लास होगी, वो सब कुछ 24 मार्च को बता दिया जाएगा और 25 मार्च को आपकी फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। तो प्लीज आप बने रहे वीडियो में लास्ट तक, और इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, पसंद आए तब करना है, पहले नहीं करना है। पहले वीडियो को देखना, बाद में डिसाइड करना। सबसे कम फॉर्म कौन से ट्रेड में अप्लाई है, देखो मैं यहाँ पर कुछ आपकी ट्रेडें लिखता हूँ। मोची, बार्बर यानी कि नाई, ठीक है, मोची, बार्बर, ध्यान रखना, वॉशरमैन। होए पर थोड़े कम होए, जितना है और लवर है उतना नहीं है। एक वॉटर कैरियर। इन ट्रेडों में आपके फॉर्म कम अप्लाई हुए हैं। ये वॉटर कैरियर, सॉरी वॉशरमैन नहीं है, इलेक्ट्रिशियन नहीं है, क्या है, इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है। यदि इन ट्रेडों से आपने अप्लाई किया है ना, बहुत ही, मैं बता रहा हूँ, 100% यहाँ पर फायदे में जाने वाले। बहुत ही अच्छी जगह आपने अप्लाई कर दिया, बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से आपने अप्लाई कर दिया, बहुत ही अच्छी जगह अप्लाई कर दिया, बिल्कुल इसमें 100% आप फायदे में जानने वाले हो यहाँ पर। अब देखो किस प्रकार से मैं यहाँ पर बताता हूँ। सबसे ज्यादा कौन से ट्रेड में अप्लाई हुई है, कुक, सफाई कर्मचारी, दिख तो रहा नहीं है, दिख तो रहा नहीं यहां तक, दिख रहा है, चलो कोई नहीं, सफाई कर्मचारी, ठीक है, कुक, सफाई कर्मचारी, एक वॉशरमैन, कुक, सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन, ठीक है। इतनी तो सारी ट्रेडें थी, ज्यादा ट्रेड थोड़ी थी यार, इतनी तो ट्रेडें मेन से ट्रेड होने से, कुक, सफाई कर्मचारी, बार बार, मोची, वॉशरमैन, वॉटर कैरियर, इलेक्ट्रिशियन, ये ट्रेड है मेन है। अब देखो मैं बात बताता हूँ आपको, देखो सबसे ज्यादा फॉर्म आपके अप्लाई है कुक में, उसके बाद में अप्लाई है सफाई कर्मचारी में, और उसके बाद में अप्लाई है वॉशरमैन में इस बार, और वॉटर कैरियर इस बार आता है, उसके बाद में बार बार में वॉटर कैरियर, उसके बाद में आता है, और उसके बाद में आता है आपका मोची, और मोची के बाद आता है इलेक्ट्रिशियन, यानी कि सबसे कम इलेक्ट्रिशियन में, उसके बाद है मोची, उसके बाद है बार बार, उसके बाद है उसके बाद वॉटर कैरियर, और उसके बाद है बार बार। अब देखो बात यहां पर आती है कट ऑफ की, कट ऑफ किसकी ज्यादा जा सकती है और किसकी कम जा, ये मैं ऑल इंडिया की बता रहा हूँ भाई, ध्यान से देखना, ऑल इंडिया की बता रहा हूँ। सबसे मैं बात करता हूँ ज्यादा जाने वाले की, सफाई कर्मचारी सबसे ज्यादा जाएगी। अब कई बच्चे सवाल करेंगे कि सर सफाई कर्मचारी में तो फॉर्म ही कम अप्लाई है, तो कट ऑफ ज्यादा क्यों जाएगी? मैं बता रहा हूँ सफाई कर्मचारी में फॉर्म कम अप्लाई नहीं है भाई, आज सबको बताया फॉर्म कम अप्लाई, पोस्ट भी तो कम थी, पोस्ट भी तो कम थी ना, ट्रेड में फेल नहीं होगा एक भी बच्चा, सारे के सारे बच्चे तो फिजिकल पास हो, सारे एग्जाम देंगे, ट्रेड में फेल नहीं होगा। तो फिर यार ट्रेड में कोई फेल नहीं होगा, जब सफाई कर्मचारी ट्रेड में फेल नहीं होगा, सारे एग्जाम देंगे तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बात करता हूँ उसके बाद में रहते हैं कट ऑफ कुक की। देखो कट ऑफ कुक की मेन कम जाने का कारण क्या है, एक तो अभी पोस्ट ज्यादा है,
दूसरा मेन कारण ये निकल कर आ रहा है, इसमें आओगे ट्रेड टेस्ट में बच्चे बहुत ज्यादा फेल होते, बहुत सारे बच्चे इसमें ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। इस कारण से इसकी कम को टॉप जा सकती है, इसकी कम को टॉप जा सकती है, 100% कम जाएगी, देख लेना। बात करता हूँ वॉशरमैन की, इतने साल गया था वॉशरमैन में फॉरम, बहुत कम बच्चे अप्लाई कर पा रहे थे, बहुत ही कम बच्चे अप्लाई कर रहे थे वॉशरमैन में। पर मैं बता दूं यहाँ पर वॉशरमैन की कट ऑफ हाई जाएगी इस बार, क्योंकि इस बार फॉरम ज्यादा अप्लाई है, बच्चे बहुत कम है, बच्चे बहुत ज्यादा है इसमें, ज्यादा बच्चे, पोस्ट बहुत कम है, पोस्ट बहुत कम है, तो इसकी जाहिर सी बात है अभी कट ऑफ हाई जाएगी। तो ये 10 ट्रेड जिन्होंने अप्लाई कर देना, वो अपनी कमर कस ले, और कमर कसने का मतलब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, 25 तारीख के न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं, बिल्कुल फ्री बैच, यूट्यूब के ऊपर, मैं जीके मैं कराने वाला हूँ, प्रेजेंट प्रवीण जी सर, हिंदी आपको किरण मैडम, ये चारों चारों क्लासे टाइम टू टाइम, बैक टू बैक आपको क्लासे मिलने वाली है। सुबह आपका 2 घंटा क्लासे लो, शाम को 2 घंटे आप पढ़ाई करो, बिल्कुल आपको 4 घंटे के अंदर स्टडी प्लान मैंने बता रखा है, किस तरीके से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। अब की बार BSF पार, ये वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लो, बिल्कुल सब कुछ वहां पर मैंने बता रखा है। तो फिर आप यार क्यों दिमाग लगा रहे थे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जितना करा रहा हूं उतना कर लो, आपका सिलेक्शन यहाँ पर 100% हो सकता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर कि कट ऑफ कम है आपकी, ज्यादा किसकी जाएगी भाई, सॉरी कम किसकी जाएगी, ज्यादा वाले तो हो गए, एक तो वोटर कैरियर बहुत ही कम कट ऑफ जाने के चांसेस है, क्योंकि फॉरम बहुत कम अप्लाई हुए, फॉरम कम अप्लाई हुआ है, फॉरम बहुत कम अप्लाई हुआ है, फर्स्ट बात फॉरम कम अप्लाई हुआ वोटर कैरियर में, दूसरी बात पोस्ट ज्यादा है, पोस्ट ज्यादा है, फॉरम कम अप्लाई हुआ है, वोटर के में ट्रेड टेस्ट में फेल होते हैं बच्चे, इतने तो नहीं होते पर होते इसमें ट्रेड टेस्ट में फेल होते हैं, बात ध्यान में रखना। तो वोटर के दूसरी आपकी कम जाने में कट ऑफ रहता है आपका, ये बार्बर, मोची और इलेक्ट्रिशियन, यहां पर मैं लिखता हूँ बार्बर यानी नाई, मोची और इलेक्ट्रिशियन, नाई की थोड़ी कट ऑफ हाई जा सकती है, पर मैं बता दूं नाई में ट्रेड टेस्ट में 100 में से लगभग यहाँ पर 15 से 20 बच्चे पास होते हैं। तो ट्रेड टेस्ट स्टेप होता है, बाल हर किसी के काटने के बस की बात नहीं है, हर कोई बाल नहीं काट सकता, हर कोई सेविंग नहीं बना सकता, अपनी सेविंग सब बना ले, बस दूसरे की सेविंग बनाओ, पता चलेगा आपको कहीं भी कट जाएगा, इतना सा कट गया फैल, बाल नहीं काट सकता हर कोई, तो ये ध्यान रखो आप। तो आपको बता दूं 15 से 20 बच्चे पास होते हैं भाई, बार मोची बहुत ही कम फॉर्म अप्लाई, जिसने अप्लाई कर दिया उसकी 99% तक जो पक्की, यदि वो 2-2 घंटे डेली पढ़ेगा तो 100% उसकी जो पक्की होने वाली है। तो मोची ध्यान रखो, मोची कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है यहाँ पर। बात करता हूँ इलेक्ट्रिशियन की, इलेक्ट्रिशियन की वजह से पोस्ट नहीं थी, फिर मैं बता दूं मैं आपको, बहुत ही कम कट ऑफ जाने वाली है। अब देखो बात करते हैं हाई लेवल कट ऑफ कितनी जा सकती है और कट ऑफ कम कितनी जा सकती है, अरे टोटल बांधे तो कितनी कट ऑफ हम की हाई जा सकती है और कितनी कम जा सकती है। देखो मैं बताऊं आपको, आपको यदि कुक, सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन, ठीक है, और आपने यहाँ पर वाटर कैरियर में यहाँ पर ले लेता हूँ, यदि इनसे फॉर्म अप्लाई कर दिया, और यदि आप आते हो MP यानी मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, आपका ये MP, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी, बिहार, ठीक है, ये 5 राज्य, MP, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, और एक दो राज्य और है शायद जो बेस्ट है भाई, जैसे अभी दिल्ली में इसमें आने लग गया अभी, आप वो बता भाई कंपटीशन का हाई लेवल, यदि आप इन राज्य से बिलोंग करते हो, इन राज्य से बिलोंग करते हो, और यदि इन ट्रेडों से यदि आपने फॉरम भरा है, तो भाई 80 कम से कम नंबर लेके आना है, 80 कम से कम है,
तो ज्यादा से ज्यादा आप 90 के प्लस क्रॉस करने की कोशिश करो, तभी जाकर यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, पंजाबी इसके अंदर भाई, एक पंजाब, इनसे हो तो आपको 80+ नंबर लेके आना ही पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर सिलेक्शन है। अदर स्टेट में यहाँ पर बता दूं, यदि इनसे अदर स्टेट में फॉर्म भरा तो 60+ में भी यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, 60+। अब कई बच्चे बोलेंगे सर अदर स्टेट की पोस्ट है खाली, देखो जो खाली रहेगी वो खाली रहेगी, उसको कौन नहीं भर सकता। ये नहीं है कि आप मान लो गुजरात में पोस्ट खाली रहेगी तो राजस्थान वालों को कभी नहीं लिया जा सकता, राजस्थान में केवल राजस्थान के कैंडिडेट लग सकते हैं, बिहार है बिहार के, एमपी में एमपी के, हरियाणा में एमपी हरियाणा के, यही कैंडिडेट यहाँ पर जा सकते हैं, ये ध्यान रखो आप। तो ये बता दूं मैं आपको, एमपी यदि इन राज्य से आप बिलोंग करते हो तो आपको इतनी कट ऑफ तो कम से कम करनी होगी। अब बात करता हूँ यहाँ पर, एक आता है अपना होशलमैन, होशलमैन तो आ गया ना, सॉरी बार्बर, इलेक्ट्रिशियन, आपका मोची, इन ट्रेडों से यदि आपने अप्लाई कर दिया, और इन राज्यों से यदि आप अप्लाई कर रहे हैं, इन राज्यों से बिलोंग करते हो, 70+ का टारगेट रखो। मोची में थोड़ा है और इलेक्ट्रिशियन में थोड़ा कम रखा, पर बार्बर में भी आप 70+ का टारगेट इसमें रख सकते हो। अब बात करता हूं कि यदि इसमें आप कम रहा है, अदरवाइज इन राज्य से आते हो तो, अदरवाइज यदि इन राज्य से आते हो 50+ का टारगेट रखो, आराम से इसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो यह आपका कट ऑफ का चक्कर है, और इन्हीं कारणों से आपका कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चों ने क्या, एक तो आपको बता दू फॉरम बहुत ज्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, कितने परसेंट तक फॉरम में मानू तो यहाँ पर बता रहा हूँ, 100 में से 30% तक फॉरम रिजेक्ट हो रहे हैं, यानी कि 100 में से 30% तक फॉरम यहाँ पर रिजेक्ट हो रहे हैं। मतलब एवरेज ने आंकड़ा निकाले तो भाई यहाँ पर मान लो अभी 5 लाख फॉरम भरे गए हैं, 5 लाख फॉरम भरे गए, लाख में से यदि 30,000 फॉरम रिजेक्ट हो गए, तो 30 को मैं 5 से गुणा करता हूँ, तो 1,50,000 तो फॉरम रिजेक्ट हो गए, बचे कितने आपके, 3.5 लाख, 3.5 लाख में से आप फिजिकल देने कितने जाएंगे, 3 लाख, 3 लाख में से फिजिकल कितने होंगे, 60% बच्चे पास, 60 में से आप देखो 60, 36, 18, 1,80,000 बच्चे एग्जाम में बैठेंगे। अब 1,80,000 बच्चों में से एग्जाम कितने पास होंगे, 27, 27, 54, 54 दूनू आपका यहाँ पर 10,000+ कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम में पास होंगे, ठीक है। अब 10,000 कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम पास होंगे तो 10,000 का यहाँ पर भाग दो भाई, 10,000 का भाग दो 3 महीने से दिन, यानी एक पोस्ट पर आपका लगभग यहाँ पर 18-19 कैंडिडेट के लगभग यहाँ पर आ रहे हैं, ये एवरेज ना आंकड़ा यहाँ पर रहने वाला है, इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा आंकड़ा नहीं जाएगा, आप ये बात ध्यान में रख लेना। तो ये वीडियो जो देख रहे हैं, ये वीडियो में थोड़ी बहुत भी सच्चाई आपको लग रहा है, बिल्कुल दिल से बोल रहा है, आपका भाई सपोर्ट कर रहा है, आपका लिए कुछ कर रहा है, तो प्लीज आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दो। और हाँ मैं बता दूं आपको कि जिस बच्चे ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि वहां पर आपको महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है, महत्वपूर्ण डिटेल्स है, वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज पर यदि कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, तो फेसबुक पेज का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फेसबुक पेज पर भी सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे, प्लीज आप फेसबुक पेज को भी जरूर ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भाइयों।